हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज है संडे और हम रेडी शेडी हो चुके हैं घूमी करने के लिए। तो बड़ी ही प्यारी सी खास सी जगह पे जा रहे हैं और मेरे ओल्लू को बीमारी पड़ गई है कि मम्मा तैयार हो गई है। और पता नहीं, जब भी गाइस मैं तैयार होती हूँ ना, तो इसको पता लग जाता है कि मम्मा मेरे को छोड़ के जा रही है। मतलब पक्का नहीं जा रही हूँ, ऐसे नहीं मैं जाती, अपने बेटे के साथ अभी मैंने बड़ा टाइम स्पेंड करना है। तो गाइस, हम जा रहे हैं घूमी करने, तो आप भी हमारे साथ चलिए। यहाँ तो क्लाइमेट बिल्कुल क्लियर है, बट वहाँ का क्लाइमेट पता नहीं धुंध होगी कि नहीं होगी। तो थोड़ा सा घूमी शूमी करके आते हैं, क्योंकि बड़ी ही प्यारी सी स्वीट सी एक फैमिली मेम्बर जो है हमारी फैमिली में एड ऑन हुई है, तो हम उसी को मिलने जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ चलिए और उसे ब्लेसिंग दीजिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको रास्ते में। रास्ते का व्यू दिखाते हैं, फिर वहां जाके उस प्यारी सी डॉल को दिखाएंगे। ओके गाइस, चलिए। ओके गाइस, हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। यहाँ से हम जाएंगे बस में, क्योंकि बड़े दिन हो गया बस में बैठे नहीं है। बस में, ट्रेन में बैठने का अलग ही मजा है। और वैभवी बेचारी, उसको जो अपनी पठानकोट से जो ऊपर की बड़ी ट्रेन्स जाती हैं, उसमें बैठने का पता ही नहीं है। बेचारी कभी बैठी ही नहीं है। बड़े लोग है ना भाई, ये तो कारों में घूमने वाले, हम तो बसों में गाड़ियों में घूमने वाले हैं। क्यों वैभवी, बोलो कुछ। शर्मा गई। नहीं, इसको मैंने कभी पठानकोट से अमृतसर या जम्मू की तरफ भी लेके जाना है ट्रेन में। जब हम वैष्णो माता जाएंगे कटरा, तो आई थिंक हम ट्रेन में जाएंगे, बट देखेंगे क्या कंडीशन होगी। तो चलिए, जहाँ अभी जा रहे हैं वहाँ का देखते हैं सिस्टम क्या है। मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है, काफ़ी दिनों के बाद निकले हैं ट्रैवलिंग पे। तो चलिए गाइस, चलिए, बड़ी एक्साइटमेंट है मुझे, बाकी का पता नहीं वहाँ जाके क्या होगा। गाइस, तो हम गग्गल पहुंच चुके हैं। अभी हमारी बस नहीं आई है, तो मैंने सोचा तब तक आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। ये है गाइस पठानकोट का रास्ता, और ये है धर्मशाला का, और ये है कांगड़ा का। तो बस अभी हम अपनी बस का वेट कर रहे हैं। आई थिंक हमारी बस आ चुकी है, तो बस में जैसे ही बैठेंगे आपको बस का व्यू दिखाएंगे। बड़ा मज़ा आ रहा है गाइस, बड़ा मज़ा आ रहा है, काफ़ी दिनों के बाद निकले। आई थिंक हमारी बस आ चुकी है। ओके गाइस, मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं। अभी हमने सेकंड बस में बैठना है, बट हमने कहा थोड़ा सा घूम लेते हैं। हमारा पोपट हो गया, कैमरा बंद था और मैं चपड़ चपड़ कर रही थी, पता नहीं वीडियो बनी भी नहीं बनी। तो बहुत बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है गाइस, देखो वो देखो वो देखो वो देखो। पर अभी तो सड़क का सत्यानाश है, ना बंदा पैदल चल सकता है ना कुछ। अभी हमने सेकंड बस लेनी थी ज्वाली की तरफ से, बट मैंने कहा थोड़ा सा घूम लेते हैं, बस में बैठ के दिमाग घूम गया था। हेलो गाइस, हेलो, हम यहाँ से चोरी चोरी निकल गए थे, तो हम पकड़े गए। ये देखो, पकड़े गए। अभी इनके हस्बैंड को बताया जाएगा ये कहाँ पे घूम रहे हैं और ब्लॉग कर रहे हैं। बता दो बता दो, वो देखो पीछे दूसरे भाई जान बैठे हैं, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो देखो गाइस, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, और करने दो सानू के दो बंदे सानू के डर मारे। अब हम मिलेंगे अनदर ब्लॉक में, जहाँ हम घूमने जाएंगे कसोल। कसोल जा रहे हैं गाइस हम कसोल, और वहाँ बनाएंगे हम वीडियोस, रील्स और बड़ा कुछ। तो देखिए 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 गाइस, ब्लॉग्स देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बस बस बस, बोलो यार।
लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके। हेलो गाइस, हेलो हेलो। ये देखो हम पठानकोट आए हैं, तो ये फ्लाईओवर बन रहा है। मेरा तो प्रॉपर्टी हो गया। मैं पहले कितनी देर वीडियो बनाती रही और कैमरा ऑन ही नहीं था, तो मेरे को तो आपको दिखाना था। तो गाइस ये बन रहा है फ्लाईओवर मनाली तक का, तो हम इसी फ्लाईओवर पर मनाली जाएंगे। और मैं बड़ी चुपके से, यार मैं इतनी फेमस हूँ ना, मुझे कोई ना कोई मिल ही जाता है। मैं रास्ते में चुपके से वीडियो बना रही और पीछे से धीरज जी आए ची गाड़ी लेके, तब दसदा में पाजी नू, तो मैं कह दस दे मैं कड़ा बॉयफ्रेंड ना फड़ी गई हाँ। और तो मैं चोरी चोरी मिलती हूँ अपने बॉयफ्रेंड से, किसी को पता ही नहीं चलता है। तो गाइस ये है फ्लाईओवर, और इतनी जद्दोजहद से, इतनी मेहनत से, इतनी ठंड में वो देखो बना रहे हैं, तो काफ़ी काफ़ी मेहनत का काम है गाइस। तो मैं थोड़ी पास जाके आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस कैसे जाल बिछाया जा रहा है, और इसके अंदर वो देखो भैया, वो देखो उसको सेट कर रहे हैं, और एक भैया जो वो ऊपर लगा रहे हैं। तो अभी तो मैंने ये जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है दिखा दिया है, और जैसे ही साल, दो साल, तीन साल, जब भी ये फ्लाईओवर बनेगा तो मैं आपको इसका व्लॉग बना के दिखाऊंगी कि गाइस मैंने आपको इसको बनते हुए दिखाया था, और अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया और अब हम मनाली जा रहे हैं। ओके गाइस, देखो अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, देखो मैं कितनी दूर दूर आ रही हूँ आपको व्लॉग्स दिखाने के लिए, तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, कर दिया करो, कर दिया करो। तो अभी हम थोड़ा देर हो रहे हैं, जल्दी चलते चल के मिलते हैं छोटी सी बेबी से। हेलो, बेचारी वैभवी ने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो मैंने इसको बोला चल मैं तेरे को जूस पिलाती हूँ। देखो गाइस ये कुछ नहीं खाती पीती, ना वेजिटेबल खाती है, ना फ्रूट्स खाती है, ना मल्टी मिनरल लेती है। और इसकी शक्ल देखो, और पांचवा बोलो एक और, और क्या और दफाओ, खाना भी नहीं खाती, खाना भी नहीं खाती है गाइस। मतलब देखो तभी तो चिपड़ी सी है, और इसकी मम्मा देखो कितनी स्मार्ट है, क्योंकि मैं सब कुछ खा जाती हूँ, मैं बंदा भी खा जाती हूँ। लो पकड़ पकड़, तो मैंने कहा जूस पी ले कम से कम, तो गाइस ये जूस भी नहीं पीती। तो मॉर्निंग से हम बिना ब्रेकफास्ट के निकले हुए हैं, तो हमने सोचा कि चलो जूस पी लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेशनेस मिल जाएगी। फ्रेशनेस ये देखो मिल जाएगी। भूखे शेर टेस्ट भी नहीं लेते हैं गाइस ये। चलो अब इसके बाद हमने सेकंड बस में बैठना है, और आपको सेकंड बस का व्यू दिखाते हैं, और जाना है हमने ज्वाली की तरफ। तो चलिए गाइस, चीयर्स, अभी मिलो। तो चलिए गाइस, इतनी ट्रैफिक है, हमें कुछ समय नहीं आ रहा है। और ये देखो बेचारी वैभवी बोंदल की है, चलो थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं आपको ट्रैफिक का, क्योंकि हम हैं जंगली शेर है, हम जंगल में रहने वाले हैं, तो हमें इतनी सारी ट्रैफिक में बड़ा बुरा हाल हो रहा है गाइस। देखो देखो ट्रैफिक, देखो देखो, देखो 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 ट्रैफिक, देखो इतनी सारी ट्रैफिक है, मुझे तो घबराहट ही आना शुरू हो गई है गाइस। एक्चुअली हम रहते हैं हिली एरिया में, तो वहाँ पे पहाड़ हैं, जैसे मैं धर्मकोट गई थी तो मेरे को वहाँ का एरिया अच्छा लगता है। अब यहाँ पे आके इतनी भीड़ में मेरे को घबराहट आ रही है गाइस, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्द जिससे मिलना है उससे मिल लें, और उसके बाद चले हम अपने वापस अपने देश मतलब अपने जंगलों में, क्योंकि हम बत्ती कुत्ते बन चुके हैं। फाइनली हम सेकंड बस में पहुंच चुके हैं, बैठ चुके हैं, यार कसम से इतने दिनों के बाद बाहर निकले हैं ना वैभवी। सच में यार बाहर निकलना चाहिए, इतने दिनों के बाद बाहर निकले, ज्यादा बंदे, ट्रैफिक देख के बड़ा बुरा हाल हो रहा है, बट जहाँ जाना है वहाँ जाना है। फाइनली अभी हम सेकंड बस में बैठ चुके हैं, दो बार बता दिया है, सुन लीजिए। और दिया गया अभी गरीबों को, बेस्ट गरीब इन द वर्ल्ड। तो यहाँ से ट्रेन भी जाती है गाइस, बट आपने अगर ट्रेन लेनी हो
जोगिंदरनगर के लिए जाने के लिए, तो आपको जसूर आना पड़ेगा क्योंकि चक्की का पुल टूट गया है। पठानकोट और जसूर के बीच में जो एक पुल आता था, बहुत बड़ा ब्रिज था, वो टूट गया है, जिसके वजह से ट्रेन्स जो हैं जसूर से ही जा रही हैं। तो आपको ट्रेन लेने के लिए जसूर आना पड़ेगा, बहुत सीरियस मैटर है। ट्रेन लेनी हो तो जसूर आए, ठीक है? नहीं तो बस में आ जाओ यार, कार में आ जाओ, जरूर ट्रेन में ही आना। वो देखो बेस्ट ग्रीब इन द वर्ल्ड। गाइज प्लीज इंस्टा पे जाके वहाँ पे भी मेरे को फॉलो करो, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रील्स हैं, और मेरे ब्लॉग्स देखा करो, ज़्यादा टाइम लगाया करो ताकि मेरा वॉच टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और मेरा चैनल मोनेटाइज हो। प्लीज़ गाइज प्लीज़, मेरा चैनल मोनेटाइज होने में बहुत टाइम लग रहा है, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो और फुल ब्लॉग देखा करो एंड तक प्लीज़ गाइस, और अपने रिश्तेदारों को भी सेंड कर दिया करो क्योंकि मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी हसीन वादियाँ दिखाती हूँ, है ना? दिखाती हूँ ना, चलो क्या करना है, जब जो होना है तभी होना है। हेलो हेलो हेलो, फाइनली गाइस हम बेबी से मिलके आ चुके हैं, बट हमने बेबी को दिखाया ही नहीं क्योंकि बेबी इतना स्वीट था, छोटे सा था, तो अभी हम उसको एटलीस्ट 1.25 महीने तक नहीं दिखाएंगे। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो अब हम उसको दिखाएंगे। तो ऐसे है कि अभी यहाँ पे तो काफ़ी क्लाइमेट कूल हो चुकी है, फॉग नीचे आ चुकी है, तो अभी हम वापस धर्मशाला की बस ले रहे हैं और वैभवी जी बोल रहे हैं कि मम्मा मेरे को जूस ले दो। मैंने कहा कुछ जूस स्नैक्स वगैरह लेते हैं और अपनी बस में बैठते हैं और वापस चलते हैं अपने घर, क्योंकि वहाँ पर हमारे बेबी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे ना गाइस। और चलिए, और ये मेरा देखिए, मैंने फ्लैप वाली ये कैप ली है, मेरा लुक देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? तो यार लाइक कर दो प्लीज़, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और चलिए जल्दी से हम जूस वगैरह लेते हैं और चलते हैं वापस अपने घर धर्मशाला। चक्कर में इतनी ट्रैफिक जाम है कि
आधा सफ़र तो हमारा जाम में ही फंस गया है, तो बाहर का व्यू दिखा रहे हैं आपको। इन्होंने सारे माउंटेन्स काट दिए, सारे माउंटेन्स काट दिए, और अटल टनल की तरह इसमें मेरे ख्याल में वो केव्स भी बना रहे हैं जिसमें से हमारी कार्स जाएंगी। जैसे हम जम्मू जाते हैं कटरा तो रास्ते में वो व्यू आता है ना, वैसे सेम यही पठानकोट वाला व्यू है, और मनाली के लिए भी ये बन रहा है। तो अभी आपको कंस्ट्रक्शन का वर्क दिखा रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको अभी हम कच्चा पक्का व्यू दिखा रहे हैं, जब ये पूरा बन जाएगा लाइटनिंग होगी कितना मज़ा आएगा ना गाइस यहाँ पे घूमने का। और वैभवी जी आप भी देख लो, एक अपना खूबसूरत सा चेहरा दिखा दो एक बार। गाइस देखो मेरी सोनी सी लड़ाको माई दिखाओ। मैं ये नहीं बोलती कि सड़ी सी अपनी बिजी रहती है, मैं आगे आपको व्यू दिखाती हूँ। अभी तो हम जाम में फंसे हुए हैं, सुबह भी कितना टाइम फंसे थे जाम में, और पता नहीं आपको मेरा वॉल्यूम आ रहा होगा कि नहीं, क्योंकि बस की बड़ी गड़ाया 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 हो रही है। मैं आपको बाहर का व्यू ही दिखाती हूँ। वापस गगल आ चुके हैं, मॉर्निंग से गगल में निकले हैं और वापस घर आ चुके हैं, और अभी हमी घर जा रहे हैं। सॉरी गाइस, एक्चुअली पता क्या है, मैं जब खुश होती हूँ मेरी टंग स्लिप कर जाती है, तो अभी हम घर जा रहे हैं। तो बाकी का व्यू आपको दिखाते हैं, कहती बंगाली निकलती है आमी तुमी, तो वही शुकी खाए वो। हमारी एक दीदी है वो बंगाला ना, तो मैं उससे बंगाली सीख रही हूँ। तो अभी हमारे पापा हमें लेने आ रहे हैं, तो हम गाड़ी में बैठ के घर जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। यार मैं उसको पापा ही बोलती हूँ, तो फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। हेलो गाइस, फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। वैसे तो मैं चाय बहुत कम पीती हूँ, बट आज मॉर्निंग से लेके वहाँ जसूर से फिर धर्मशाला आते आते इतनी सिर दर्द हो रही है ना, और मैं चाय के साथ आज इस व्लॉग का एंड करती हूँ। और गाइस आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हम आपको ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए आपको ब्लॉग्स दिखाते रहेंगे। आज हमने मोटिव था बेबी को दिखाना, बट बेबी बड़ा ही छोटा था, बड़ा ही प्यारा था, तो हमने यही डिसाइड किया सारी फैमिली ने कि जैसे ही बेबी थोड़ा बड़ा होगा, हाथों में आने वाला होगा, तब आपको दिखाएंगे। तो गाइस प्लीज़ आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, हम अपने बेबी को दिखाएंगे और मिलते हैं आपको इन हसीन वादियों में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे नाइट एंड गुड आफ्टरनून, बाय बाय।